उपशाला के हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के अंतर्गत समाविष्ट अध्याय परमहंस रामकृष्ण, इसका अनुवाद देखते हैं। परमहंस रामकृष्ण, रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष अवध हुए। रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष हुए। तस्य विषय उनके विषय में महात्मना गांधीना उक्तम, महात्मना गांधीना महात्मा गांधी जी का उक्तम कथन है, उनके विषय में महात्मा गांधी का कथन है। परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र, धर्म आचरण से धर्म के आचरण का प्रायोगिक विवरण विद्यते। प्रायोगिक मतलब आचरण में लाया गया, विवरण विद्यते विवरण है। तस्य विषय महात्मा गांधी ना उक्तम, उनके विषय में महात्मा गांधी का कथन है कि परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का प्रायोगिक विवरण है। तस्य जीवनम, उनका जीवन अस्मभ्यम मुझे या हमें, उनका जीवन हमें ईश्वर दर्शनाय शक्ति प्रददाति प्रदान करता है। उनका जीवन हमें ईश्वर दर्शन की शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि, उनके वचन न केवलम कस्यचित नीरसान ज्ञान वचनानि, उनके वचन किसी नीरस उनके वचन केवल नीरस ज्ञान के वचन ही नहीं अपितु बल्कि तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि, बल्कि उनके जीवन ग्रंथ के पृष्ठ ही हैं। तस्य जीवनम, उनका जीवन अहिंसाया मूर्तिमान पाठ विद्यते, अहिंसा का साकार पाठ है, उनका जीवन अहिंसा का साकार पाठ है। अब फिर से देखो एक बार, रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष हुए। तस्य विषय महात्मा गांधी ना उत्तम, उनके विषय में महात्मा गांधी का कथन है। परमहंस रामकृष्ण से जीवन चरितम, परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का प्रायोगिक विवरण है। परमहंस रामकृष्ण का उनके विषय में महात्मा गांधी का कथन है कि परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का प्रायोगिक विवरण है। तस्य जीवनम अस्मभ्यम, उनका जीवन हमें ईश्वर दर्शन शक्ति प्रददाति, उनका जीवन हमें ईश्वर दर्शन की शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि न केवलम कस्यचित नीरसानि ज्ञान वचनानि, उनके वचन किसी नीरस ज्ञान के वचन ही नहीं अपितु उनके वचन केवल नीरस ज्ञान के वचन ही नहीं बल्कि उनके जीवन ग्रंथ के पृष्ठ ही हैं। तस्य जीवनम हिंसाया मूर्तिमान पाठ विद्यते, उनका जीवन हिंसा का साकार पाठ। स्वामिनः रामकृष्ण जन्म बंगेश हुगली प्रदेश से कामारपुकुर स्थान 1836 ख्रीस्ताब्द हुआ। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल के हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान में 1836 ईस्वी में हुआ था। तस्य पित्रों, पित्रों मतलब माता पिता दोनों आ जाते हैं। तस्य पित्रों, उनके माता पिता परम धार्मिक आस्थान थे, उनके माता पिता बहुत ही धार्मिक थे। बाल्यकालादेव रामकृष्ण अद्भुत चरित्र मदर्शित प्रदर्शन किया। बाल्यकालादेव बचपन में ही रामकृष्ण ने अद्भुत चरित्र का प्रदर्शन किया। तदानी में उसी समय मतलब बाल्यकाल में ही ईश्वरीय तस्य सहजा निष्ठा अजायत उत्पन्न हो गई, सहजा स्वाभाविक तस्य उनकी उसी समय ईश्वर में उनकी स्वाभाविक आस्था उत्पन्न हो गई। ईश्वर की आराधना के समय सहजे समाधि अधिष्ठित, वो स्वाभाविक समाधि में चले जाते थे। एक बार फिर से देखो, स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल के हुगली प्रदेश के कामारपुर स्थान में 1836 ईस्वी में हुआ था। उनके माता पिता बहुत ही धार्मिक थे। बचपन में ही रामकृष्ण ने अद्भुत चरित्र का प्रदर्शन किया। ईश्वर में उनकी स्वाभाविक आस्था या कह सकते हैं स्वाभाविक विश्वास उत्पन्न हो गया। ईश्वर की आराधना के समय वे स्वाभाविक समाधि में चले जाते थे, सहज समाधि में चले जाते थे। परम सिद्ध होते हुए भी सह सिद्धिनाम प्रदर्शनम न उचितम मन्यते। परम सिद्ध होते हुए भी वो सिद्धियों के प्रदर्शन को उचित नहीं मानते थे। एक बार किसी भक्त ने किसी की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया। असो महात्मा पादुकाभ्याम नदी तरति, वे महात्मा तो अपनी पादुका से नदी पार कर जाते हैं,
इति महतो विस्मयस्य विषयः, यह तो बहुत ही महत्व बहुत ही आश्चर्य का विषय है। परमहंस रामकृष्ण मंदम हंसत, परमहंस रामकृष्ण धीरे से हंसे, मंदम धीरे से हंसत हंसे अवदत और बोले, चस्या अस्या सिद्धि मूल्यम, इस सिद्धि का मूल्य पढ़द्वय मात्र, दो पढ़ मात्र है, इस सिद्धि का मूल्य दो पढ़ मात्र है। पढ़ जो है वो पुराने जमाने का सिक्का हुआ करता था। पढ़द्वय दो पढ़ से नौकया नौका के द्वारा सामान्य जल नदी तरह थी, सामान्य मनुष्य भी नदी पार कर जाता है। अनया सिद्धियम केवल पढ़द्वय से लाभ हुआ थी, इस सिद्धि से तो केवल दो पढ़ का लाभ होता है, आप कह सकते हैं दो पैसे का लाभ होता है। किन प्रयोजन में तादृशता सिद्धि प्रदर्शन, इस प्रकार के सिद्धि प्रदर्शन का क्या प्रयोजन क्या उद्देश्य। एक रामकृष्ण परमहंस का भक्त था, एक बार उसने रामकृष्ण परमहंस से कहा कि एक महात्मा है जो नदी से जो खड़ाओं से नदी पार कर जाते हैं, ये बहुत आश्चर्य का विषय है। तो रामकृष्ण परमहंस इस बात को सुन के धीरे से हंसते हैं और कहते हैं कि इस सिद्धि का ये जो चमत्कार कर रहे हैं महात्मा, उससे तो नहीं केवल दो पढ़ का लाभ होता है और दो पढ़ से तो सामान्य मनुष्य भी नदी पार कर जाता है, तो दो पढ़ के लाभ के लिए इस प्रकार का चमत्कार प्रदर्शन क्या उचित है, नहीं उचित है ना। वही कहते हैं, फिर से आप एक बार देख लो, परम सिद्धि अभी सिद्धि नाम प्रदर्शन उचित मन्य, परम सिद्ध होते हुए भी वे सिद्धियों के प्रदर्शन को उचित नहीं मानते थे। एक दाकेनचित भक्तेन, एक बार किसी भक्त ने कस्यचित महिमाए पढ़ता किसी की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया, ऐसा महात्मा पादुकाभ्याम नदी तरति, वे महात्मा तो खड़ाओं से नदी पार कर जाते हैं, यह तो बड़े ही आश्चर्य का विषय है। रामकृष्ण परमहंस धीरे से हंसे और बोले, ऐसे सिद्धि मूल्य पढ़द्वय मात्र, इस सिद्धि का मूल्य तो केवल दो पढ़ मात्र है। पढ़द्वय नौ क्या सामान्य जल नदी तरति, दो पढ़ से तो सामान्य मनुष्य भी नदी पार कर जाता है। अन्य सिद्धि केवल पढ़द्वय से लाभ हुआ थी, इस सिद्धि से तो केवल दो पढ़ का लाभ होता है। कि प्रयोजन में एतादृश सिद्धि प्रदर्शन, इस प्रकार के सिद्धि प्रदर्शन का क्या प्रयोजन। रामकृष्ण से विषय एवं विदा भगवा कथान का प्रसिद्ध सत्य, रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार से बहुत से कथानक प्रसिद्ध हैं। आज जीवनम से आत्मचिंतन निर्दय आसे, वे जीवन पर्यंत आत्मचिंतन में लगे रहे, निर्दय लगे रहे। आजीवनम जीवन पर्यंत सब वह आसित लगे थे, वे जीवन पर्यंत आत्मचिंतन में लगे थे। अस्मिन विषय उनके विषय में तस्य अनेक अनुभव, अस्मिन विषय इस विषय में तस्य अनेक अनुभव, उनके अनेक अनुभव लोक प्रसिद्ध संसार में प्रसिद्ध हैं। रामकृष्ण विषय एवं विधा भगवा कथान का प्रसिद्ध सन्ति, रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार से बहुत से कथानक प्रसिद्ध हैं। अजीवन से आत्मचिंतन निर्दय आसी, वे जीवन पर्यंत आत्मचिंतन में लगे रहे। अस्मिन विषय इस विषय में तस्य अनेक अनुभव, उनके अनेक अनुभव लोक प्रसिद्ध संसार में प्रसिद्ध हैं। तस्य वचने तस्य अध्यात्म अनुभव वर्णितम, उनके ही शब्दों में उनके ही वचनों में उनके आध्यात्मिक अनुभव वर्णित हैं, या इस प्रकार उनके ही शब्दों में या उनके ही वचनों में उनके आध्यात्मिक अनुभव बड़े थे। पहला है, चले निमज्जिता प्राण, निमज्जिता डूबे हुए प्राण यथा निष्क्रमितम, बाहर निकलने के लिए आकुलामंदी आकुल होते हैं, तथैव उसी प्रकार चेत यदि ईश्वर दर्शना, ईश्वर दर्शन के लिए अपि भी समुत्सुक उत्सुक भवंत हुआ जाए जना लोगों को, तदा तब उसके ईश्वर के दर्शन मोहित मरने दर्शन हो सकते हैं। अर्थात जल में डूबे हुए प्राण जिस प्रकार बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, बेचैन होते हैं, यदि वही व्याकुलता या उसी प्रकार की उत्सुकता ईश्वर दर्शन के लिए दिखाई जाए तो ईश्वर दर्शन हो सकते हैं। ठीक है, अगर जल में आप डूब रहे हैं तो आप हर संभव प्रयास करते हैं, हाथ पैर मारते हैं, हर कोशिशें करते हैं और बहुत ही बेचैनी और व्याकुलता के साथ आप बाहर निकलने की जो छटपटाहट दिखाते हैं, अगर वही बेचैनी वही व्याकुलता वही छटपटाहट यदि ईश्वर को प्राप्त करने में आप लगा देते हैं तो ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, ऐसा रामकृष्ण का मानना था। कि चले निमज्जिता प्राण, जल में डूबे हुए प्राण जिस प्रकार बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, यदि उसी प्रकार ईश्वर दर्शन के लिए भी उत्सुक हुआ जाए तो लोगों को उसके दर्शन हो सकते हैं। किमपि साधनं साधयितु, किसी भी साधना को साधने के लिए मत कृते मुझे दिन त्रयाधिकार, तीन दिन से अधिक काल समय न अपेक्षित नहीं चाहिए, किसी भी साधना को साधने के लिए मुझे तीन दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए। किमपि साधनं साधयितु, किसी भी साधना को साधने के लिए मत कृते मुझे दिन त्रयाधिकार काल न अपेक्षित, तीन दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए, किसी भी साधना को साधने के लिए मुझे तीन दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए। तीसरा देखो, नहा वांछामी भौतिक सुखम प्रदान विद्या, मैं भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या वांछामी
चाहता हूँ ना हम नहीं, मैं भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या नहीं चाहता, अहम तो ताम विद्या वाचामि, मैं तो वह विद्या चाहता हूँ यया हृदय ज्ञान से उद्योगी, जिससे हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि मैं ऐसी विद्या नहीं चाहता जो भौतिक सुख प्रदान करे, मैं तो ऐसी विद्या चाहता हूँ जिससे हृदय में ज्ञान का अभ्युदय होता है। वही कहते हैं नाहम वाचामि भौतिक सुखम प्रदान विद्या, मैं भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या नहीं चाहता, अहम तो ताम विद्या वाचामि, मैं तो ऐसी विद्या चाहता हूँ यया हृदय ज्ञान से उद्योगी, जिससे हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता है। अयम महापुरुष स्वकेन योगाभ्यास बलेन एतावान महान संजातः, यह महापुरुष अपने योग अभ्यास के बल पर इतने महान हुए। ठीक है, एतावान मतलब इतने संजात हुए, एतावान इतने संजात हुए स्वकेन अपने योग अभ्यास बलेन, योग अभ्यास के बल पर यह महापुरुष अपने योग अभ्यास के बल पर इतने महान हुए। स ईदृशा विवेकी शुद्ध चित्त, वह ऐसे विवेकी और शुद्ध चित्त थे, यत्ते कि उनके लिए तस्य कृते उनके लिए मानव कृता मानव द्वारा बनाए हुए सारे विभूत निर्मूला अजायता निर्मूल सिद्ध हुए। वो इतने विवेकी और शुद्ध चित्त थे कि मनुष्य द्वारा कि उनके लिए मनुष्य द्वारा सारे विभेद निर्मूल सिद्ध हुए। वो इतने विवेकी और शुद्ध चित्त थे या वो ऐसे विवेकी और शुद्ध चित्त थे कि उनके लिए मनुष्य द्वारा बनाए हुए सारे विभेद निर्मूल सिद्ध हुए। स्वकीय आचरण एन तेन सर्व साधना, अपने आचरण के बल से उन्होंने सब साधना की। तेन आचरण स्वकीय आचरण अपने आचरण से एव तेन सर्व साधना, उन्होंने सब साधा अर्थात सभी साधना की। विश्व विश्वोत्तर स्वामी विवेकानंद, संसार में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद ऐसे महाभाग्य शिष्य आसित, इन्हीं महानुभाव के शिष्य थे या इन्हीं महाभाग के शिष्य थे। विश्व विश्वोत्तर विश्वोत्तर प्रसिद्ध संसार में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इन्हीं महानुभाव के शिष्य थे। आसीत तेन न केवलम भारतवर्ष, उन्होंने केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पाश्चात्य देशों वर्ष में बल्कि पाश्चात्य देशों में भी व्यापक से मानव धर्म से बिल्डिंग हो सकते तक व्यापक मानव धर्म पर डंका बजाया। उन्होंने केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पाश्चात्य देशों में भी व्यापक मानव धर्म का डंका बिल्डिंग होकर डंका बजाया। आपने जानते ही होंगे विवेकानंद अमेरिका गए थे शिकागो सम्मेलन में और जहाँ उन्होंने भारत का डंका सर्वत्र बजाया था ना। वही तेन अनैश शिष्य, उनके अन्य शिष्य जनानाम कल्याणार्थम लोगों के कल्याण के लिए स्थानीय स्थानीय स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवाश्रम स्थापित कर रामकृष्ण सेवाश्रम स्थापित किए। ईश्वरानुभव ईश्वर का अनुभव दुखित जनानाम सेवा पुष्यति, ईश्वर का अनुभव दुखित जनों की सेवा से ही पुष्ट होता है। यदि रामकृष्ण महान संदेश या रामकृष्ण का महान संदेश है, ईश्वर का अनुभव दुखित जनों की सेवा से ही पुष्ट होता है, यह रामकृष्ण परमहंस का महान संदेश है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में इसको फिर से बता देंगे। ठीक है। एक बार आप फिर से देख लीजिए, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, हो सकता है कि आपको समस्या हो। मैंने सोचा कि आप कर लेंगे लेकिन आप संस्कृत है तो थोड़ी सी क्लिष्टता होगी, इसलिए मैं एक बार उसका अर्थ फिर से बता देती हूँ। रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष हुए, रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष हुए, तस्य विषये महात्मना गांधी ना उक्तम, उनके विषय में महात्मा गांधी का कथन है कि परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरितम, परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्माचरण से प्रायोगिकम विवरणम विद्यते, धर्म के आचरण का प्रायोगिक विवरण है। उनके विषय में महात्मा गांधी का कथन है कि रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का प्रायोगिक विवरण है। तस्य जीवनम उनका जीवन अस्मभ्यम हमें ईश्वर दर्शनाय शक्ति प्रददाति प्रदान करता है, उनका जीवन हमें ईश्वर दर्शन की शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि उनके वचन न केवलम कस्यचित् न केवल किसी नीरसानि ज्ञान वचनानि नीरस ज्ञान के वचन ही नहीं अपितु बल्कि तस्य जीवन ग्रंथ से पृष्ठानि बल्कि उनके जीवन ग्रंथ के पृष्ठ ही हैं। तस्य जीवनम उनका जीवन अहिंसाया मूर्तिमाना पाठा विद्यते
अहिंसा का साकार पाठ। उनके वचन न केवल किसी नीरस ज्ञान के वचन, उनके वचन केवल किसी नीरस ज्ञान के वचन ही नहीं बल्कि उनके जीवन ग्रंथ के पृष्ठ ही हैं। तस्य जीवनम अहिंसाया मूर्तिमान पाठ विद्यते, उनका जीवन अहिंसा का साकार पाठ है। स्वामी रामकृष्ण से जन्म, स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगेश हुगली प्रदेश से कामारपुर स्थान है, बंगाल के हुगली प्रदेश के कामारपुर स्थान में 1836 ईस्वी में हुआ था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म बंगाल के हुगली प्रदेश के कामारपुर स्थान में 1836 ईस्वी में हुआ था। तस्य पितरों, उनके माता पिता परम धार्मिक आस्था मवादी धार्मिक थे। बाल्यकालादेव रामकृष्ण अद्भुतम चरित्र मदर्शत, बचपन में ही रामकृष्ण ने अद्भुत चरित्र का प्रदर्शन किया। तदानी में उसी समय ईश्वरी तस्य सहजा निष्ठा अजायत, उसी समय ईश्वर में उनकी स्वाभाविक आस्था उत्पन्न हो गई। बचपन में ही उन्होंने अद्भुत चरित्र का प्रदर्शन किया और उसी समय से ईश्वर में उनकी स्वाभाविक आस्था उत्पन्न हो गई। ईश्वर से आराधना अक्सरी जो सर्जे समाधि अभिष्ट, ईश्वर की आराधना के समय, ईश्वर की प्रार्थना के समय वो स्वाभाविक समाधि में चले जाते थे। परम सिद्धो अभी सिद्धिना प्रदर्शन नो उचितम मान्यतम, परम सिद्ध होते हुए भी वो सिद्धियों के प्रदर्शन को उचित नहीं मानते थे। नोचितम न उचित, उचित न उचित नहीं मानते थे। परम सिद्ध होते हुए भी वो सिद्धियों के प्रदर्शन को उचित नहीं मानते थे। एकदा केनचित भक्तेन कस्य महिमा एक वर्णित, एक बार किसी भक्त ने किसी की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया। एकदा एक बार केनचित किसी भक्तेन, भक्त ने कस्यचित किसी की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया। एक बार कोई भक्त ने किसी की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया। असो महात्मा पादुकाग्राम नदी तरती, वे महात्मा तो खड़ाऊ से नदी पार कर जाते हैं। यदि महतो विषमय से विषय है तो बड़े आश्चर्य का विषय है। परमहंस रामकृष्ण मंतव सत, परमहंस रामकृष्ण धीरे से हंसे और अवतर बोले, परमहंस रामकृष्ण धीरे से हंसे और बोले, ऐसे सिद्धि मूल्य पढ़द्वय मात्र, इसी सिद्धि का मूल्य तो दो पढ़ मात्र है। पढ़द्वय नौकिया, दो पढ़ से तो सामान्य मनुष्य भी नदी पार कर जाता है। इसी सिद्धि का मूल्य तो केवल दो पढ़ मात्र है और दो पढ़ से तो सामान्य मनुष्य भी नदी पार कर जाता है। अन्य सिद्धि हम केवल पढ़द्वय से लाभ होगा, इसी सिद्धि से तो केवल दो पढ़ का लाभ होता है। कि प्रयोजन वेतादेश सिद्धि प्रदर्शन, इस प्रकार के सिद्धि प्रदर्शन का क्या प्रयोजन। रामकृष्ण विषय एवं विधा भव कथान का प्रसिद्ध सिद्धि, रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार से बहुत से कथानक प्रसिद्ध हैं। आजीवनम से आत्मचिंतन निरता आसी, तो जीवन पर्यंत आत्मचिंतन में लगे रहे। अस्मिन विषय, इस विषय में उनके अनेक अनुभव लोक प्रसिद्ध संसार में प्रसिद्ध हैं। रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार के बहुत से कथानक प्रसिद्ध हैं और आजीवन वो आत्मचिंतन में लगे रहे और इस विषय में उनके अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। तस्य वचनेषु तस्य अध्यात्म अनुभव वर्णितम, उनके ही शब्दों में या उनके ही वचनों में उनके आध्यात्मिक अनुभव इस प्रकार है। चले निमज्जिता प्राण, जल में डूबे हुए प्राण, यथा निष्कृष्टम आकुला भवन्ति, जिस प्रकार बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं। जल में डूबे हुए प्राण जिस प्रकार बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, तथैवचत ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुका भवन्तु, यदि वैसी ही उत्सुकता ईश्वर दर्शन के लिए दिखाई जाए, तदा तस्य दर्शन भवितुम् अर्हति, तो लोगों को ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। जल में डूबे हुए प्राण जिस प्रकार बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, यदि वैसी ही उत्सुकता ईश्वर दर्शन के लिए दिखाई जाए, तो लोगों को ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। किमपि साधनं साधयितुं मत्कृते दिनत्रयाधिकः काल नैवपक्षते, नैवपक्षते नहीं चाहिए, दिनत्रयाधिकः तीन दिन से अधिक का काल समय मत्कृते मुझे, किसी भी साधना को साधने के लिए मुझे तीन दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए। नाहं वाञ्छामि भौतिक सुख प्रदान विद्या, मैं भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या नहीं चाहता। अहं तु तां विद्यां वाञ्छामि, मैं तो वह विद्या चाहता हूँ। यह हृदय से ज्ञानो भवति उदयोभवति, जिससे हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता है। मैं भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या नहीं चाहता, मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ जिससे हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता है। अयम महापुरुष, ये महापुरुष स्वकीय योगाभ्यास बले एतावान महान संजाता, एतावान कितने संजाता हुए, ये महापुरुष अपने योग अभ्यास के बल पर इतने महान हुए। स ईदृश विवेक शुद्ध चित्त आसीत यत तस्य कृते मानवकृता विभेदा निर्मूला अजयंता, अजयंता हुए मानवकृता मानव के द्वारा बनाए हुए यत तस्य उनके लिए, वह इस प्रकार या वो ऐसे विवेकी और शुद्ध चित्त थे कि उनके लिए मानव द्वारा बनाए हुए सारे विभेद निर्मूल चित्त हुए। स्वकीय आचरण तेन सर्वसाधितम, अपने आचरण के बल से उन्होंने सभी साधना संपन्न किया, सभी सारी सिद्धियाँ प्राप्त की। विश्व विश्वतः स्वामी विवेकानंद संसार में प्रसिद्ध, विश्वतः प्रसिद्ध संसार में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद ऐसे महाभाग्य शिष्य, ऐसे महाभाग्य शिष्य थे, ऐसे महान भाग्य
संसार में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इसी महानुभाव के शिष्य थे। ते न केवल भारतवर्षी, उन्होंने केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पाश्चात्य देशेश्वर, विवेकानंद के विषय में कहा जा रहा है, उन्होंने केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पाश्चात्य देशों में भी व्यापक से मानव धर्म से डिपिंग हो सके तक व्यापक मानव धर्म का डंका बजाया। उन्होंने केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पाश्चात्य देशों में भी व्यापक मानव धर्म का डंका बजाया। तेन अन्य शिष्य जनाना कल्याण था, उनके अन्य शिष्य लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापित किया। उनके अन्य शिष्यों ने लोगों के कल्याण के लिए तेन अन्य शिष्य उनके अन्य शिष्यों ने लोगों के या जन के कल्याण के लिए जन कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापित किए। ईश्वरा अनुभव, ईश्वर का अनुभव दुखितानाम जनानाम सेवया पुष्यति, ईश्वर का अनुभव दुखित जनों की सेवा से ही पुष्ट होता है। ईश्वर का अनुभव दुखित जनों की सेवा से ही पुष्ट होता है। यदि रामकृष्ण महान संदेश रामकृष्ण का महान संदेश था, मतलब अगर आप दुखित जनों की सेवा करते हैं तो ईश्वर प्रसन्न होंगे और उनके दर्शन आपको होंगे, ऐसा विश्वास था रामकृष्ण का। यह उन्होंने महान संदेश दिया संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण विश्व को। ठीक, धन्यवाद। आपको जो ना समझ में